हेलो एवरीवन, फाइनली मुझे हो गया है कोविड। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और हालत ख़राब है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव तो निकल गई जैसे तैसे प्रिकॉशन लेके, लेकिन अभी थर्ड वेव में मैं पकड़ गई हूँ कोविड। तो लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि कहीं गई थी करके ऐसे पूछ रहे हैं। तो इस बार तो सभी लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ शॉपिंग जाना है, सब्ज़ी लेने जाना है। तो इस समय घर में तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है और कब तक बैठे रहेंगे। 2 साल हम लोग सब प्रिकॉशन ले चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन अब सभी लोग आ जा रहे हैं ऐसे, मतलब घर में बिल्कुल बंद कोई भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि बिल्कुल प्रिकॉशनरी रहिए और मत जाइए कहीं जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, जैसे कि हम लोगों ने पिछले 2 साल किया। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, पूरा मेरा ये नोज़ एरिया पूरा चोक है, गला पूरा बुरी तरह से बंद है और सुबह शाम फीवर आ रहा है, शिवरिंग हो रही है और 102 102 तक फीवर हो रहा है, अच्छी खासी शिवरिंग हो रही है। तो मेरी 3 मेडिसिन शुरू हो गई है, मैं बताती हूँ आपको। यही करोना मेडिसिन है, एक जिंको रॉन है, जिंको विट टाइप की है ये, और एक ये पैरासीटामॉल 650 दिन में 2 बार, और एक अजीथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। तो ये भी सुबह शाम है तो फीवर चढ़ता है, मतलब उन्होंने कहा है कि फीवर ना भी हो तो भी इसको आपको लेना है, तो ले रही हूँ मैं बराबर। और मतलब हाउस वाइफ के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता ऐसे क्वारंटीन होना, पूरे घर से अलग हो जाना, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो मैं भी खाना बनाती हूँ सुबह शाम मास्क लगा के, सुबह 6 बजे बना लेती हूँ, ये लोग उठते हैं बच्चे और ये सब, उससे पहले ही मैं खाना बना देती हूँ, बाद में लोग गर्म कर करके खाते रहते हैं, उसको माइक्रोवेव कर लेते हैं या हीट कर लेते हैं गैस पे, तो खाते रहते हैं। और शाम का जो है वो भी ऐसे ही बना देती हूँ मैं, कुछ एक सब्ज़ी और रोटी बना दी, पराठा बना दिया। तो इतना काम तो करना ही पड़ता है, चाहे मास्क लगा के करो चाहे कुछ करो, क्योंकि घर में किसी और को खाना बनाना नहीं आता और सबको टाइम टू टाइम खाना चाहिए होता है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और जब तक ज़रूरी ना हो कहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत अजीब सी चीज़ है। 5 डेज़ की दवाई है ये और आज है सेकेंड डे है आज, अब देखते हैं कल क्या होता है। कल कहते हैं थर्ड डे जो होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, तो मैं देखती हूँ कल क्या होता है फिर बताती हूँ आपको। तो ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बुखार एक हल्का सा डाउन सा चल रहा है। आपको पता है रात भर मैं डबल कंबल ओढ़ के सोई हूँ, मुझे कंबल भी है, मुझे कंबल में भी ठंडा लग रहा था तो शॉल पूरे उससे कवर कर थे। तो लेकिन अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल नीचे गया तो फिर जो उसके प्रोटोकॉल लगा, इस पे नहीं जा रहा, ये ओमिक्रॉन है। नहीं वो नहीं जाएगा, तुम वैक्सीनेटेड हो, नहीं जाएगा। पानी पी रहे हैं बहुत, दे दो एक बार गर्म पानी में करके। ये मेरा गिलास तो मैं आज बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। बेड पे बैठ के मैंने सब कुछ कट कर लिया है, फिर 1 मिनट में हाथ धो के कुकर में डाल देंगे और ये सब्ज़ी बन जाएगी, और रोटी या चावल कुछ बना दूंगी इन लोग को। यार अच्छा खासा गले में, गले में ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, वो उसी के लिए है, वो एजिथ्रोमाइसिन। स्टीम लो, अपना गला सही करो। इतना अच्छा लग रहा गर्म पानी, हो गई है मेरी खाने की पूरी तैयारी। तो आप लोगों से बस यही कहना है, घर पे रहिए, उसको लाइटली मत लीजिए कोरोना को।